भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। बीरपुर ग्वारीडीह में पुराने अवशेष के मिलने का सिलसिला जारी। मंगलवार को भी पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व वाली कई वस्तु बरामद। ग्वारीडीह बहियार पहुंची जनप्रतिनिधियों की टीम। नौगछिया अनुमंडल के बीरपुर के कोसी तटीय ग्वारीडीह बहियार में पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व वाली वस्तुओं के मिलने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। जयरामपुर के ग्रामीण अविनाश कुमार चौधरी के नेतृत्व में ग्वारीडीह बहियार जाकर खोजबीन की गई। खोजबीन के क्रम में हाथी दांत, मिट्टी का लोटा, चंदन घिसने का चनोटा समेत कई तरह के अवशेष बरामद किए गए। मंगलवार को जनप्रतिनिधियों का एक दल भी निरीक्षण के लिए पहुंचे और निरीक्षण किया व बरामद सामग्रियों को भी देखा। जनप्रतिनिधियों के दल में धर्म पुरत्ती के मुखिया प्रतिनिधि सीपू सिंह, नारायणपुर के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव, पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार, राजकुमार कक्कू, सुधांशु, अजय आलोक, चंद्र शेखर, प्रभास चौधरी, अधिवक्ता अशोक यादव, उदय शर्मा सहित कई अन्य थे। मुखिया प्रतिनिधि सीपू सिंह, नारायणपुर के प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव ने मौके से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी वकील अंजुम से बात कर मामले की जानकारी दी और ग्वारीडीह में लगातार मिल रहे पुरातात्विक और ऐतिहासिक अवशेषों के सहेजने की दिशा में पहल कराने की मांग की है। नवगछिया रंगरा के सोहरा में आग लगने से 5 घर जले, लाखों का नुकसान। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के सोहरा गांव में बुधवार की देर रात्रि आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। इसके फलस्वरूप लोगों के खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, अनाज, टीवी, फ्रिज के अलावे अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गई। अगजनी में लाखों का नुकसान बताया जाता है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अगजनी में विश्व यादव, सुबोध सिंह, बबलू यादव, मंटू यादव एवं शंभू यादव का घर जल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय मुखिया सविता देवी के माध्यम से रंगरा थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं रंगरा अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार राम को दी। सूचना के बाद गुरुवार की सुबह सीओ जितेंद्र कुमार राम एवं रंगरा पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। इस बाबत पीड़ित परिवार ने आग लगने की घटना को लेकर रंगरा थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। वहीं दूसरी ओर सीओ ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित सहायता दी जाएगी। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 8893-047-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का स्थान। विक्रमशिला पुल पहुँच पतवा NH 31 पर लगा रहा भीषण जाम, परेशान रहे लोग। भारी वाहनों के नो एंट्री के कारण सड़क पर वन वे परिचालन के कारण लगा था जाम। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ एवं नवगछिया NH 31 पर गुरुवार को पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। NH 31 व पुल पहुंच पथ पर जाम रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भागलपुर जाने वाले यात्रियों को नवगछिया से भागलपुर जाने में 2 से 3 घंटे लग रहे थे, जबकि NH 31 पर जाम के कारण खरीक से नवगछिया आने में यात्रियों को 1 घंटे का वक्त लग रहा था। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर जाम भागलपुर की ओर से जाने वाले भारी वाहनों की नो एंट्री लगा दिए जाने के कारण लगा था। नो एंट्री के कारण जाह्नवी चौक से लेकर नवगछिया 0 माइल तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जबकि NH 31 पर खरीक से लेकर रंगरा तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। NH 31 पर
वाहनों की लंबी कतार 30 किलोमीटर में थी, जबकि पुल पहुंच पथ पर 15 किलोमीटर में वाहनों की कतार लगी हुई थी। मकनपुर चौक से नौगछिया शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी गुरुवार को पूरे दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रही। जाम के कारण मकनपुर चौक से लेकर नौगछिया पुलिस लाइन तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। सड़क पर जाम रहने के कारण नौगछिया बाजार आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जाम इतना भयावह बना हुआ था कि लोगों को सड़क पर पैदल चलने में भी कठिनाई हो रही थी। इसके अलावा मकनपुर चौक से नौगछिया बाजार मोटरसाइकिल एवं सवारी वाहनों के आने जाने में जाम के कारण 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पूरी हो रही थी। जाम के कारण नौगछिया बाजार आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मकनपुर चौक पर जाम लगने का मुख्य कारण नौगछिया रेक पॉइंट से ट्रैक्टर एवं ट्रक के अत्यधिक परिचालन होने एवं हर 15 से 20 मिनट पर रेलवे के संपार फाटक बंद होने के कारण लग रहा था। जाम के कारण ट्रेन आने की स्थिति में संपार फाटक पर जाम की स्थिति रहने के कारण अफरा तफरी की स्थिति भी बन रही थी। जाम के कारण रहने के कारण कई बार काफी मशक्कत से संपार कर्मी को संपार बंद करना पड़ा। जाम रहने के कारण नौगछिया बाजार आने जाने वाले लोगों के साथ साथ अनुमंडलीय अस्पताल की एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर जाम की समस्या आम हो गई है। लोगों ने जाम की समस्या से निदान को लेकर प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की है। गोपालपुर खेत में लगी मोहगनी के पेड़ को काटने का दिया आवेदन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी अमन कुमार पिता श्रीकांत मिश्र ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपने खेत में लगे 25 मोहगनी के पेड़ को काटकर गिरा देने का आरोप अपने चचेरे भाई इंद्रदेव मिश्र व उनके 2 पुत्र किशोर कुमार व रोहित कुमार पर लगाया है। गोपालपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन के आलोक में जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर में 150 छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर में नौगछिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनु चौरसिया के 23वें जन्मदिन के अवसर पर 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 150 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया ने बताया कि इस तरह के सराहनीय कदम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आएगी। वहीं मौके पर संस्थान के मुख्य सर सुजीत सिंह चौहान, संघ के नगर सहकार्यवाहक गौरव कुमार, शुभम सर, भूषण सर, आनंद सर मौजूद थे। गोपालपुर डेडलाइन पर शिक्षक बहाली की मेघा सूची नहीं हुई प्रकाशित। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिए गए आवेदन पत्र के आलोक में 31 दिसंबर को औपबंधिक मेघा सूची प्रकाशित करने की डेडलाइन निर्धारित किया गया था, परंतु कतिपय कारणों से तय समय पर औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो सकी। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर प्रखंड में शिक्षकों के मात्र 52 पदों पर नियुक्ति के खिलाफ 2842 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। BRP भवेश कुमार ने बताया कि विभाग के नए निर्देश के आलोक में 31 दिसंबर तक औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा सकी, परंतु 1-2 दिन में औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित के कर आपत्ति के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। 15 दिनों तक आपत्ति निष्पादन के बाद फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नियोजन समिति के अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, सचिव, BDO सहित 5 सदस्य नियोजन समिति शिक्षकों का नियोजन करेगी। नवगछिया इंटरसिटी ट्रेन से गिरने से अज्ञात महिला यात्री की हुई मौत। कटियार बनोनी रेलखंड के काड़ागोला रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को इंटरसिटी ट्रेन से गिरने से एक 40 वर्षीय अज्ञात महिला यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद नौगछिया GRP पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।
शुक्रवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नवगछिया जीआरपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कड़ागोला स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने से महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना के बाद घायल हुई महिला को इलाज के लिए बरारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नवगछिया जीआरपी पुलिस को दी। जीआरपी थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस महिला की पहचान को लेकर प्रयासरत है।